दोस्तों गाइस, ये है मुंबई का तीसरा नया प्लेस कमला नेहरू पार्क। इसे जूता घर के नाम से भी लोग जानते हैं। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं और देखते हैं। फुल एंजॉय कीजिए। ये है जूता घर। जूता घर के ऊपर एक गैलरी है। आप सीढ़ियों से जा सकते हैं ऊपर और ऊपर से सारा नज़ारा दिखाई देगा। उसके साइड में समुद्र का नज़ारा भी दिखाई देगा और इसके आसपास में बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है। इस पार्क में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और इस पार्क के जस्ट साइड में समुद्र है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और आप इसे कमला नेहरू पार्क के अंदर जूता घर है जो इसे आसानी से आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का टिकट प्राइस नहीं है, फ्री है। आप एंट्री फीस फ्री है, तो आप कभी भी आ सकते हैं मुंबई में जूता घर या फिर कमला नेहरू पार्क से, कमला नेहरू पार्क के नाम से जो भी जाना जाता है। यहाँ पीछे की तरफ समुद्र है और वहाँ पे बोर्डिंग होती है, तो हम सब नीचे नहीं जाएंगे। सिर्फ 25 मिनट का टाइम मिला है। और इस रेलिंग पे मोतियाँ बहुत बड़ी बड़ी लगाई गई हैं सलिए में, ताकि बच्चे आसानी से खेल सकें। और ये है, आप देख सकते हैं पार्क के बीच में ये बना हुआ है। यहाँ पे बहुत से लोग घूमने आते हैं। देख लीजिए, ये बच्चे खेल रहे हैं। तो ख़ासकर बच्चों को ध्यान में रख कर के ये बनाया गया है। फूल, बहुत से फ्लावर्स लगे हुए हैं। बहुत बड़ा पार्क है, तो आप लोग नज़ारा देखते रहिए। बहुत ही बेस्ट नज़ारा है। मैं आप लोगों को और भी आगे चल कर के दिखाता हूँ। ये पीछे की तरफ घड़ी लगी हुई है बहुत बड़ी, और चलिए नज़ारा आपको और भी ज़्यादा मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, ये था कमला नेहरू पार्क, जिसे जूता घर के नाम से भी लोग जानते हैं। एक छोटा सा पार्क था और मैं टूरिस्ट बस पे था। वहाँ पे टूर कराते हैं 250 रुपये में, नई नई प्लेसेस के टूर कराते हैं गेट ऑफ इंडिया से। तो उसी पे 25 मिनट का टाइम मिला था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये जूता घर या फिर कमला नेहरू पार्क मैंने आप लोगों को दिखाया। नेक्स्ट वीडियो जूहू चौपाटी की होगी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।